हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस फाइनली मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो ला चुका हूं, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो को बना सकते हो, जो कि अभी टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको यहाँ जाना है सर्च बार पर, सर्च करना है बिंग एप्लीकेशन। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का एप्लीकेशन रहेगा, इसको अपने फोन में आपको इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ यहाँ से आपको कुछ इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से जो नीचे में दिखाई दे रहा है एप्स का एक ऑप्शन, ठीक है, आपको एप्स पे क्लिक कर देना है। एप्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, जो आपको फर्स्ट में शो हो रहा है इमेज क्लटर का ऑप्शन, ठीक है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ यहाँ से आपको एक लॉग इन करने का ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले आपको इसमें लॉग इन करना पड़ेगा, बिना लॉग इन किए आप इसमें 3D AI इमेज को नहीं बना सकते हो। लॉग इन करने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट में एक सर्च बार का ऑप्शन होगा, तो आपको इस पे क्लिक करके आपको इसमें टेक्स्ट को एड कर देना है। यहाँ से मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है, मैं दिखाता हूँ पहले इसको पेस्ट करके। यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। लोग चाहो तो वहां से उसको देख के यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर बॉय विथ नेम का एक ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने नाम को टाइपिंग करना है, जिस भी नेम से आप अपने फोटो को क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ मैंने अपने नाम को एग्जांपल के लिए टाइपिंग कर दिया है और उसके जस्ट साइड में ही आपको एक गर्ल विथ नेम का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ से गर्ल का नाम को इसमें टाइपिंग करना है। तो यहाँ से मैं एग्जांपल के लिए इसमें हीना टाइपिंग कर देता हूँ, ठीक है। आपको जिस भी नाम से फोटो को बनाना है अपने नाम को यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना है, आपका पूरा प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन के आ जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से मेरा कितना प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन के आ चुका है, और यहाँ से मैंने इसमें अपने नाम को ऐड किया था, मेरा टी शर्ट पे नाम भी जुलूम और हीना ऐड हो चुका है। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको इसमें से बेस्ट लग रहा है, ठीक है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है फिर से सर्च बार पर। सर्च बार पाने के बाद आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट हुड का ऑप्शन, ठीक है, तो पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट को यहाँ से पहले कैंसिल कर देना है। ब्लैक एंड व्हाइट को कैंसिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से रेड और ब्लू को टाइपिंग कर देना है। इस तरह से ब्लू टाइपिंग करेंगे उसके बाद आपको सिंपली करना है फिर से सर्च बार पे क्लिक। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैंने रेड और ब्लू को टाइपिंग किया है, तो मेरा यहाँ पर कपड़ा का कलर चेंज हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से किसी भी स्मार्टफोन से इस तरह का प्रोफेशनल 3D AI फोटो को बना सकते हो, जो कि अभी टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो इतना कुछ करने के बाद आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपको इसमें से बेस्ट लग रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी स्मार्टफोन से इस तरह का प्रोफेशनल फोटो को जनरेट कर सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।